लेडी गैंगस्टर एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर किसी के भी दिमाग में डर, मासूमियत, चालाकी और सुंदरता चारों एक साथ आते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मुंबई में आई तो थी बॉलीवुड हीरोइन बनने, लेकिन बन गई एक खतरनाक गैंगस्टर। एक ऐसी लड़की जिसका उठना बैठना दाऊद और बबलू श्रीवास्तव जैसे लोगों के साथ था। रामलीला में सीता का रोल करने वाली एक धार्मिक और सीधी सादी लड़की एक ऐसी रहस्यमय लेडी डॉन बन गई जो आज तक पुलिस के हाथ नहीं आई। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के 40 से ज्यादा देशों की पुलिस उसे ढूंढ रही है। कोई उसे पप्पी शर्मा कहता है, कोई महेश शर्मा, कोई मनीषा, कोई मीनाक्षी तो कोई सलमा, लेकिन उसका असली नाम है अर्चना शर्मा, जिसे अंडरवर्ल्ड में किडनैपिंग क्वीन के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दया है। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। अर्चना की कहानी शुरू होती है महाकाल के धाम उज्जैन से। उज्जैन के माधव नगर में रहने वाले एमपी पुलिस के हेड कांस्टेबल बाल मुकुंद शर्मा की चार बेटियों में तीसरे नंबर की बेटी थी अर्चना। बाल मुकुंद अपनी बेटी अर्चना को पढ़ा लिखा कर वकील बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में अर्चना का एडमिशन करवाया। बाल मुकुंद भले ही अपनी बेटी को वकील बनाना चाहते थे, लेकिन अर्चना के मन में कुछ और ही चल रहा था। अर्चना को बचपन से ही एक्टिंग का भूत सवार था, इसलिए वो रामलीला में भी काम करती थी। एक्टिंग के चक्कर में ही अपनी पढ़ाई का आखिरी साल छोड़कर वो बॉलीवुड की हीरोइन बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंच गई। कोशिश करने के बाद उसे देवानंद की फिल्म गैंगस्टर में एक छोटा सा रोल भी मिल गया, लेकिन इसके बाद लंबे टाइम तक कोई काम नहीं मिल पाया। ऐसे में उसे अपने सपने टूटते नजर आने लगे। कहा तो ये भी जाता है कि अर्चना को मुंबई में हीरोइन बनने के सपने गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव ने दिखाए थे। अर्चना और बबलू कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे। बबलू के पीछे पुलिस हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी। उसे भारत छोड़कर नेपाल भागना पड़ा और 1992 में नेपाल से पहुंच गया दाऊद के पास दुबई में। बबलू श्रीवास्तव की पूरी स्टोरी का वीडियो इसी चैनल पर है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस दौरान अर्चना को अपने सपने पूरे करने की एक उम्मीद नजर आई उस टाइम के फेमस ऑर्केस्ट्रा बावला म्यूजिक कंपनी में। उसे सिंगर और स्टेज आर्टिस्ट का काम मिल गया। बताते हैं कि दिसंबर 1993 में अर्चना बावला म्यूजिक पार्टी के साथ दुबई गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक बड़े बिजनेसमैन पीताम्बरा मिगलानी से हुई। उनकी ये मुलाकात जल्दी ही प्यार में बदल गई। मई 1995 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अर्चना मिगलानी के साथ दुबई में रहने लगी, लेकिन इसी दौरान अर्चना को पता चला कि पीताम्बरा मिगलानी पहले से शादीशुदा है और उसके साथ उसने दूसरी शादी की है। अर्चना ने मिगलानी के साथ अब एक चालाकी की। उसने मिगलानी को इस बात की खबर नहीं होने दी कि उसे उसकी दूसरी वाइफ के बारे में पता चल गया, और ना ही उसने इस बारे में कोई बात की। अर्चना को जैसे ही मिगलानी की पहली शादी के बारे में पता चला, उसने मुंबई के बोरीवली में बने पीताम्बरा के घर की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा ली। जैसे ही पावर ऑफ अटॉर्नी अर्चना के नाम हुई, वो पीताम्बरा से दूसरी शादी की बात पर झगड़ा करके वापस मुंबई आ गई। अभी अर्चना को कुछ ही दिन हुए थे मुंबई में रहते, उसका पति भी मुंबई पहुंच गया। अर्चना को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब इनकी बातचीत झगड़े में बदल गई, पीताम्बरा ने अर्चना का पासपोर्ट छीन कर उसे जला दिया।
अर्चना पति से अलग हो चुकी थी, पासपोर्ट भी उसके पास नहीं था, लेकिन उसे म्यूजिक कंपनी में काम करने के लिए वापस दुबई जाना था। ऐसे में उसने दुबई वापस जाने के लिए अपने एक नजदीकी सुरजीत सिंह बाला से कॉन्टेक्ट किया और रेफरेंस वीजा बनवा कर दुबई पहुंच गई। 1995 में ही बबलू श्रीवास्तव को मॉरिशस से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। दुबई में अर्चना म्यूजिक कंपनी के शो करने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात इरफान गोगा से होती है, जो किसी टाइम दाऊद इब्राहिम का गुरका था। लेकिन 1993 के मुंबई कांड के बाद जब डी कंपनी में फूट पड़ी तो वो छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव के साथ दाऊद से अलग हो गया। इरफान ने अर्चना के लोग से उसके बोलने के तरीकों, उसकी अच्छी इंग्लिश को देखकर अपने गैंग में शामिल होने के लिए कहा। अर्चना ने पहले तो मना किया, लेकिन दो चार मुलाकातों के बाद हाँ कर दी। इस दौरान बबलू श्रीवास्तव ने अपना गैंग जेल से ही ऑपरेट करना शुरू कर दिया। इरफान गोगा के कहने पर अर्चना ने सबसे पहले इंदौर के एक बड़े बिजनेसमैन जगदीश मोती रमानी को किडनैप किया था। इस काम को करने में अर्चना सक्सेस हो गई। इसके बाद इन लोगों ने मुंबई के लक्ष्मीकांत दिनेश व्यास को किडनैप करने का प्लान बनाया। अर्चना ने एलडी व्यास को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और 27 सितंबर 1997 को उसे बोरीवली के एक फ्लैट पर ले गई। इसके बाद गोगा ने अर्चना को फोन किया और कहा कि हम सब के बड़े भाई आज तुम्हें फोन करेंगे और तुम उनकी बात एलडी व्यास से करवा देना। यही वो टाइम था जब अर्चना को पता चला कि गैंग में इरफान गोगा से भी ऊपर कोई है। इसके बाद जब इनके गैंग के बड़े भाई का फोन आया तो अर्चना को पता चला ये तो बबलू श्रीवास्तव है। गैंग में शामिल होने के बाद ये पहला टाइम था जब अर्चना शर्मा बबलू श्रीवास्तव से बात कर रही थी। अब अर्चना जान चुकी थी कि इरफान तो सिर्फ एक गुरका है, गैंग का असली डॉन बबलू श्रीवास्तव है। धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हुई तो बबलू सीधे अर्चना से ही बातें करने लगा। एलडी व्यास की फिरौती 5 करोड़ रुपए मांगी गई थी, लेकिन व्यास का कोई कनेक्शन छोटा राजन से निकल आया। छोटा राजन ने इस मामले में इंटरफेयर किया तो बहुत कम पैसे लेकर व्यास को छोड़ दिया गया। अर्चना ने बबलू के इशारे पर अलग अलग इलाकों से बड़े बड़े लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने उस टाइम 1 जनवरी 1998 को अहमदाबाद से गौतम अडानी को किडनैप किया और इस किडनैपिंग से बबलू ने 1.5 करोड़ रुपए वसूल किए। फरवरी 1998 को रश्मिकांत देसाई को मुंबई से किडनैप किया। 22 अप्रैल 1998 को पुणे के सागर लकटक को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन उसमें ये लोग सक्सेस नहीं हो पाए। सागर को किडनैप करते टाइम वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और इन लोगों को वहां से भागना पड़ा, लेकिन भागने से पहले सागर लकटक को गोली मार दी, वे वहीं पर मर गए। इसके बाद इन्होंने 29 अप्रैल 1998 को कर्नाटक के हुबली से सतीश शेट्टी को किडनैप किया। इस टाइम तक अर्चना शर्मा अंडरवर्ल्ड में किडनैपिंग क्वीन के नाम से फेमस हो चुकी थी। बबलू श्रीवास्तव के एक मुंह बोले बड़े भाई कहते हैं कि बबलू उनसे हर बात शेयर करता था। उसे किसने धोखा दिया, कौन है जो उसका फायदा उठा रहा है, हर बात उन्हें वो बताया करता था, लेकिन वो अर्चना के बारे में उनसे कभी बात नहीं करता था क्योंकि वो बबलू से बड़े थे। वे बताते हैं कि उन्होंने अर्चना शर्मा के बारे में सुना था, इसलिए एक दिन उन्होंने बबलू से ही पूछ लिया कि अर्चना कौन है। तब बबलू ने कहा था कि उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसी लड़की नहीं देखी जो खूबसूरत होने के साथ साथ इतनी शातिर हो सकती है। अर्चना किसी भी बड़े व्यापारी, पुलिस ऑफिसर और नेता को अपने जाल में फंसा सकती है, इसलिए वो उसकी जरूरत है। बबलू ने कभी भी इस बात को नहीं माना कि वो अर्चना से प्यार करता है। वो कहता था कि अर्चना उसकी दोस्त है और उसके गैंग की सबसे मजबूत मेंबर।
दाऊद से दुश्मनी के चलते इरफान गोगा उन लोगों को ज्यादा टारगेट कर रहा था जो डी कंपनी को पैसा देते थे, इसलिए दाऊद ने इरफान को मरवा दिया। बबलू तो पहले से ही जेल में बंद था, इस दौरान इरफान गोगा भी मारा गया। अर्चना अकेलेपन और गुमनामी की जिंदगी जी रही थी। इसी साल अर्चना को बबलू की तरफ से काम मिला, नेपाल के एक कैबिनेट मिनिस्टर दिलसाद मिर्जा बेग को अपने जाल में उलझाने का, ताकि उसे मारा जा सके। 29 जून 1998 को दिलसाद बबलू के शूटरों के हाथों मारा गया। इस हत्याकांड में अर्चना का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। मिर्जा दिलसाद को क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, इस स्टोरी का एक वीडियो इसी चैनल पर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आप उसे देखकर मिर्जा दिलसाद बेग की पूरी कहानी जान सकते हैं। इसके बाद 9 सितंबर 1998 को उन्होंने गुजरात के गांधीनगर से एक बिजनेसमैन बाबू भाई को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन बाबू भाई ने खतरे को भांप लिया और वहां से भाग गया। गुजरात पुलिस को ये काम श्री प्रकाश शुक्ला का लगा तो उन्होंने उत्तर प्रदेश एटीएस से हेल्प मांगी। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक नंबर का पता चला जो बबलू श्रीवास्तव के शूटर मंजीत मंगे का था। यूपी एटीएस ने जब नंबर ट्रेस किया तो वो कोलकाता में एक्टिव मिला। पुलिस टीम कोलकाता पहुंची तो वहां अर्चना अपने साथियों के साथ एक होटल मालिक एस डी पुनवानी की हत्या की साजिश रच रही थी, लेकिन 12 दिसंबर 1998 को इन लोगों की मुठभेड़ पुलिस से हो गई और इस मुठभेड़ में इस गैंग के 4 लोग संजीव यादव, अनिल कनौजिया, कुलवंत सिंह और गुड्डू पुलिस के हाथों मारे गए। 2 लोग मंजीत सिंह मंगे और सत्यप्रकाश तिवारी पुलिस की गोलियों से घायल हो गए, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन अर्चना शर्मा फरार होने में कामयाब हो गई। उसके बाद आज तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। भारत समेत 40 देशों में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया हुआ है। अर्चना शर्मा आज के टाइम कहाँ है, इसे लेकर अलग अलग कहानियां बताई जाती है। कोई कहता है कि अर्चना फरार होने के बाद नेपाल पहुंच गई और एक क्लब में काम करने लगी। इस दौरान उस क्लब में एक अमेरिकन ग्रुप आया जिसमें एक भारतीय लड़का भी था। अर्चना और उस लड़के की दोस्ती हुई और दोनों ने शादी करने का इरादा कर लिया और अर्चना उसके साथ अमेरिका चली गई। अर्चना से जुड़ी एक और दूसरी कहानी ये भी है, जब एक पुलिस ऑफिसर को पता चला कि अर्चना अमेरिका में है तो उन्होंने बरेली सेंट्रल जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव से मुलाकात की और बबलू से पूछा कि क्या अर्चना अमेरिका में है, तो बबलू श्रीवास्तव धीरे से हंसते हुए बोला, वो अब मर चुकी है। अर्चना की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मिर्जा दिलसाद की हत्या के बाद वो नेपाल वापस चली गई और मिर्जा बेग के लोगों ने अर्चना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। 1998 में मुठभेड़ के दौरान फरार होने के बाद पुलिस ने उसे फरार घोषित कर दिया था। आज भी अर्चना शर्मा पुलिस की फाइलों में एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन उसके गैंग के लोग उसे मरा मान चुके हैं और कुछ मानते हैं कि अर्चना अमेरिका में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है। लेकिन उज्जैन में उसके घर के हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। 28 जून 2022 को अर्चना शर्मा के पिता की मौत हो गई। इससे पहले ही उसकी 2 बड़ी बहनों की मौत भी हो चुकी है। अब उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ है जिसका ख्याल अर्चना की सबसे छोटी बहन रख रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।